भीषण गर्मी है, किसी तरह जल की व्यवस्था करो। अभी जाता हूँ राधा श्री। अरे यह तालाब कितना सुंदर है और इसका जल भी कितना शीतल है। हेलो, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तब पानी पीना, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सहदेव को गए काफी देर हो गई, अभी तक नहीं लौटे। अभी जाता हूँ राधा श्री। जाओ तक नहीं लौटे।
अभी जाता हूँ राधे जी, जाओ पीना, अन्यथा तुम्हारी भी तुम्हारे भाइयों जैसी दशा हो जाएगी। कौन हो तुम? मेरे सामने आओ, एक कदम में तुम्हारा कछुआ निकाल दूंगा। पहले मैं पानी पीऊंगा। अरे पता नहीं अर्जुन भीम चारों में से अभी कोई नहीं लौटा, और मुझे स्वयं शीघ्र जाकर भाइयों का पता लगाना चाहिए और यह जानना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ। मुझे चलना चाहिए। युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों की दशा देखकर बड़े ही विचलित होने लगे और मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे कि कहीं दुर्योधन ने हमारे साथ में छल तो नहीं कर दिया, जो इस तालाब में जहर मिला दिया हो, जिससे हमारे चारों भाई नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम की मृत्यु हो गई। तरह तरह के प्रश्न दिल में उठने लगे और भाइयों को देखते हैं। देखिए आगे दृश्य। मुझे यहाँ कोई नजर भी नहीं आ रहा, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी पीना चाहिए, चाहे वह जहर हो या अमृत। रुको, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तब पानी पीना, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आप प्रश्न करो, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो बताइए, पवन से भी तेज क्या चलता है? मन चलता है। आकाश से भी ऊंचा और क्या है? आकाश से भी ऊंचा पिता है। भूमि से भारी क्या है? माता है। मरने वाले का साथ कौन देता है? मरने वाले का साथ धर्म देता है। मनुष्य का साथ कौन देता है? आरोग्य देता। यह
यश लाभ का एक मात्र उपाय बताइए। दान सर्वोत्तम लाभ क्या है? सर्वोत्तम लाभ आरोग्यता है। कैसे? व्यक्ति के साथ की हुई मित्रता पुरानी नहीं होती, सज्जनों के साथ की हुई मित्रता पुरानी नहीं होती। किस चीज के छूट जाने पर मनुष्य को दुख नहीं होता? क्रोध के छूट जाने पर मनुष्य को दुख नहीं होता। ठीक है, मैं अपने प्रश्नों के सही उत्तर सुनकर मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बताइए आप क्या चाहते हो? आप कौन हो और मेरे सामने हो? मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने यहाँ आया था। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बताइए मैं आपके किसी एक भाई को जीवित करा सकते हो? आप नकुल को जीवित कर दीजिए। नकुल को? नकुल को क्यों? अरे पूरे संसार में अर्जुन जैसा धनुधारी और कोई नहीं है। तुम अर्जुन को जीवित नहीं करना चाहते? और जिस भाई में 10,000 हाथियों बराबर बल है, तुम उसको जीवित करना नहीं चाहते? जी नहीं, मेरे पिता की दो रानियां थी, माता मात्री और माता कुंती। माता कुंती का मैं भीम और अर्जुन उनमें से मैं जीवित हूँ। मैं चाहता हूँ माता मात्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। न्याय पक्ष यही कहता है, इसलिए मेरे भाई नकुल को जीवित कर दीजिए। मैं पक्षपात से रहित होकर तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं प्रसन्न हूँ। मैं आपके चारों भाइयों को जीवन दान देता हूँ। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।